एक कढ़ाई में हमने घी गरम किया है, इसमें हम राई, उड़द की दाल और चने की दाल का तड़का लगाएंगे। चना दाल लाल होने लगे हैं तो इसी समय हम सेंगदाना डाल देंगे। राई तड़क चुकी है और सेंगदाना और दालें भी हमारी लाल हो चुकी है तो इसमें कसा हुआ अदरक, हरी मिर्ची और करी पत्ता डाल देंगे। तड़का सब भून रहा है तो एक बड़ा कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज हमारे नरम हो चुके हैं तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी को भी हम अच्छे से घी में भून लेते हैं। कल रात में हमने ज़्यादा चावल बना लिया था तो चावल बच गया था तो उसका हम बना रहे हैं लेमन राइस। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। तेज आंच पर इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऊपर से नींबू का रस डालेंगे और अच्छी तरह से और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चावल उबालते समय हमने पहले से ही नमक डाला हुआ है तो इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला यानी कि काला नमक और जीरा पाउडर डाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बहुत ही टेस्टी लेमन राइस रेडी हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बना है।